डिंडोरी का बैगाचक गांव, जहां ना साफ पानी है ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा है, तो सिर्फ हर घर में बीमार व्यक्ति, जिसकी दवा करवाने में घर के दूसरे सदस्य के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बदतर हालात के बाद भी स्वास्थ्य अमला बेसुध हुआ बैठा है। डिंडोरी के बैगाचक गांव का शायद ही कोई घर बचा हो जहां कोई बीमार न हो। दर्जनों मलेरिया से परेशान है तो कई उल्टी दस्त और अन्य बीमारियों से ग्रस्त। गांव का एकमात्र डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए है और दूसरे डॉक्टरों तक पहुंचना बीमारी को न्योता देने से कम नहीं, क्योंकि मीलों पैदल चलकर तो कोई साधन मिलता है। और ये काहे न है? मेरे एक बुखार है, इधर हाथ पैर दर्द है, कन्या कमर, इधर मैं ले जा रहा हूँ कमलापुर, यहाँ 5 किलोमीटर तक की बाइक ही मांगा, बाइक ले तब गाड़ी। कहे तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं आए, कहे तो गाड़ी घोड़ा नहीं आए। हर घर में बीमार बिस्तर पर पड़ा है और एक जान भी जा चुकी है। जो बचे हैं कब तक स्वस्थ हैं, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जो पानी वो पी रहे हैं वो बीमारियों के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ये है तो गाँव पर घूमा भी नहीं, उनका घर घर मजा दे दही मीठा इधर खून जांच करी नीवार ऐसा। कितने लोग बीमार है तुम्हारे गांव में? गांव में तो पूरा गांव है। हालात इतने भयानक हैं कि पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी अभी तक यहां झांकने नहीं आया। और अब हालात बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग इलाके में टीम भेजने की बात कर रहा है कि वहां पर टीम भेज के मरीजों की स्लाइड बनवाएं और जो भी मरीज आए जाते हैं उनका इलाज करें। हम वहाँ से टीम जा रही है। हर साल बारिश के दिनों में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कभी पहले से इंतजाम नहीं किए और जब दावों की हवा निकलने लगी तो कामों की गिनती शुरू हो जाती है। मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है और रेगुलर वहाँ पर स्लाइड बनाई जा रही है जो कि। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रशासन इतना मुस्तैद था तो उस गांव में दूषित पानी पीते लोग, बीमार पड़ रहे हर घर की तस्वीर या फिर दवा के लिए जान की बाजी लगाते आदिवासी क्यों नहीं दिखाई देते? लक्ष्मी नारायण अवधिया, सहारा समय, डिंडोरी।